मंडियों में हड़ताल का आज चौथा दिन है। 28 अगस्त तक की मंडियों में हड़ताल की घोषणा की गई थी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने ऐलान किया था और आज मंडी व्यापारियों की बैठक होगी। आगे के आंदोलन को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी और साथ ही व्यापारी केंद्र सरकार के नए अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। नए अध्यादेश से मंडी व्यवस्था चरमराने का अंदेशा है और प्रदेश में 3.5 लाख व्यापारी कर्मचारी मजदूर हड़ताल से प्रभावित हैं। मंडी हड़ताल से रोजाना करीब 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हो रहा है। आज चौथा दिन है मंडी हड़ताल का। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता बीके शर्मा फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए आज चौथा दिन है मंडी व्यापारियों के हड़ताल का और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति अभी बनाने वाले हैं। यहाँ पर भी अगर कोई इनके लिए इनको समझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई मांगे अगर इनकी नहीं मानी गई तो ये भी बहुत ही बड़ा विषय बन जाएगा क्योंकि इससे भी आर्थिक स्थिति पर काफी जोर पड़ने वाला है। मनीषा, ये आज चौथा दिन भी है, साथ ही इस चरण का ये आखिरी दिन भी है क्योंकि 25 अगस्त को ये हड़ताल की घोषणा की गई थी 4 दिन के, तो 25 से आज 28 अगस्त है तो 4 दिन की हड़ताल का आज आखिरी दिन है। तो आज मंडी व्यापारी 12 बजे से इनकी बैठक होगी और इस बैठक में वर्चुअली पूरे प्रदेश के मंडी व्यापारी बैठक में जुटेंगे और तय करेंगे कि इसका 4 दिन की हड़ताल का असर क्या हुआ। एक तो इसकी समीक्षा होगी और आगे आंदोलन क्या करना है। कल इन्होंने जो सभी मंडी व्यापारी हैं प्रदेश भर में, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन सौंपे हैं, सभी विधायकों तक अपनी मांग पहुंचाई है कि वो सरकार से मांग करें, उसमें जो भी किसी भी पार्टी का जो भी जिस क्षेत्र का विधायक है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है या अन्य निर्दलीय है या और किसी पार्टी का विधायक है, उन सबको उन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं और 4 दिन के दौरान सरकार से बातचीत हुई है, कृषि मंत्री से यहाँ मंडी व्यापारियों की बातचीत हुई है। लालचंद कटारिया प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और आश्वासन जरूर मिले हैं लेकिन कोई ठोस ऐसा परिणाम सामने नहीं आया है जिससे मंडी व्यापारियों को कोई आश्वासन मिल सके और वो अपना आंदोलन खत्म कर सके। तो अब जितना जो भी आउटकम इस 4 दिन के दौरान रहा है उसका आज मंथन होगा। आगे किस तरह से आंदोलन को किस स्तर पर किस स्टेज पर ले जाना है उस पर आज बैठक होगी। हड़ताल भी आगे चल सकती है, इस पर भी ये विचार किया जाएगा। तो ये सारा मसला आज इसमें इस बैठक में निकल के आएगा इसका परिणाम। तो ये बैठक बहुत अहम है और इसके साथ ही ये 4 दिन की हड़ताल का काफी प्रभाव रहा है। 3.5 लाख लोग इस मंडी व्यापार से जुड़े हुए हैं और ये मुद्दा केंद्र और राज्य दोनों से संबंध है तो दोनों सरकारों को इसमें कोई भी फैसला लेना है। अब ये देखना होगा कि इस हड़ताल का कितना क्या असर रहा है, मंडी व्यापारियों की मंशा क्या है, वो क्या विचार करते हैं, इसलिए हम सबकी नजर इस बैठक पर रहेगी। मनीषा, बिल्कुल, देखिए क्या कुछ निर्णय होता है बैठक के बाद ही पता चलेगा। बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज मंडियों में हड़ताल का चौथा दिन है और अब व्यापार संघ ने ये ऐलान कर दिया था हड़ताल का, लेकिन आज बैठक होनी है मंडी व्यापारियों की 12 बजे और उसके बाद ही पता चलेगा क्या फैसला निकल कर आता है।